नेचर के रूल क्या क्या है, मैं पहले उससे स्टार्ट करूंगा। तो ऑप्शन में नेचर का रूल ये बोलता है कि हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआई होता है और हाईएस्ट चेंज ओआई होता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस पूरे जितने भी टाइम हम साथ में हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम शायद ऑप्शन बाय करें या सेल करें, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एज अ ऑप्शन राइटर के माइंड से हम एनालिसिस करें, राइट। तो पहले एक स्टार मार्ट में पहले से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके लिए मैं मुझे पहले से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम जो भी चीजें बात कर रहे हैं हम एज अ ऑप्शन राइटर के माइंड से एनालिसिस करेंगे, चाहे हम ऑप्शन बाइंग करें या सेलिंग करें, राइट। सो नेचर का पहला रूल ऑप्शन के लिए कि हमेशा हाईएस्ट ओआई जो होती है वो होती है आउट ऑफ द मनी में, राइट। तो मैंने मेरी जर्नी शुरू करी, मैं डेली एक होमवर्क करता हूं। मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बनानी है, हमें कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करना है, राइट, तो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, सही स्ट्राइक मिलना। तो अगर मदर नेचर मुझे पहले से ये बता दे कि सबसे ज्यादा पोजिशन एज अ ऑप्शन राइटर, यानी बड़े प्लेयर्स की या जिसको हम सो कॉल्ड स्मार्ट लोगों की बात करें, उनकी पोजिशन अगर मुझे पहले से पता लग जाए, तो जैसे अगर हम नदी के फ्लो के साथ स्विम करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मदर नेचर ये बोलती है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पैदा ही जीरो होने के लिए हुआ है। वर्ल्ड का बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी जगह सर्वे है, वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज का सर्वे है, दुनिया का 80% ऑप्शन बायर वर्थलेस क्लोज होता है। कुछ साल पहले हमारे इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने बताया था उनके 93% ऑप्शन बायर ने लॉस अर्न किया था। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी होमवर्क आपसे शेयर कर रहा हूं एज अ ऑप्शन राइटर के माइंड से एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहला होमवर्क ये होता है कि मैं पहले ये स्टेक आइडेंटिफाई करता हूं जहां पे सबसे ज्यादा ओआई करंटली है और सबसे ज्यादा ओआई चेंज है। मैंने मैक्सिमम ट्रेडर देखे, मैक्सिमम एनालिस्ट देखे, वो ओआई कहां पे ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओआई चेंज कहां हो रहा है ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें तीसरा एक और पॉइंट होता है, ऐसी जगह जहां पे ओआई एग्जिट हो रहा है। आई रिपीट, नेचर का रूल ये बोलता है कि बड़े प्लेयर तीन ही कंडीशन में अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं। उनको बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा होता है, वो कंफ्यूज होते हैं या वो डर के भाग रहे होते हैं। मैक्सिमम साइड मैंने ये देखा है कि जो पोजीशन ऑप्शन की किसी स्ट्राइक में एग्जिट हो रही है, यानी ओआई माइनस हो रहा है, राइट, कल से उसमें ओआई माइनस हो रहा है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो स्ट्राइक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे पहले से पता लग रही है। अगर कोई इवेंट है, लेट्स से इलेक्शन का है या बजट है या कोई भी आरबीआई मीटिंग है, और अगर वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं तो समझ में आता है वो कंफ्यूज है, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। उन्होंने किसी में पोजीशन बनाई और वो पहले नॉमिनल रेट हो गए, पेनी प्राइजेस हो गई है, तो वो एग्जिट कर ही रहे हैं, समझ आता है। बट अगर उसकी प्रीमियम है अच्छी और वो एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मदर नेचर ये बोलती है कि स्मार्ट मनी FIIs या बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन अगर किसी में बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, बिना प्लानिंग के वो कुछ नहीं करते। रिटेल एक बार बिना प्लान के ट्रेड कर लेता है, बट ये लोग कभी कोई बिना प्लान के ट्रेड नहीं करते। तो मैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता हूं कि ऐसी स्ट्राइक जिसमें पोजीशन एग्जिट हो रही है और उस स्ट्राइक की वैल्यू है, इंटेंसिक वैल्यू मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो मैं हमारा ऑडियो से हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में आंसर दे सकूं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा अपनी स्क्रीन वगैरह। बट पॉइंट यह है कि मैं ऐसी स्ट्राइक आइडेंटिफाई करता हूं सबसे पहले जहां पे उसकी वैल्यू है और वो पोजीशन एग्जिट हो रही है, तो बेटर है मे बी उसी स्ट्राइक में ट्रेड करूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। सेकंड, लास्ट के 3 या 4 सालों में मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ी पोजीशन जो भी होती है बिकॉज ऑफ मार्जिन स्ट्रक्चर के कारण, आप देखेंगे यहां से 1000-2000 पॉइंट ऊपर की निफ्टी में सबसे ज्यादा पोजीशन होती है। तो मैं दो तरह के व्यू आपको शेयर करता हूं,
मनीष जी, राजीव जी, अगर मेरी आवाज ठीक से नहीं हो तो प्लीज मुझे कम्युनिकेट करिएगा जी। मेरा ये बोलना है, लेट से यहां से 1000 पॉइंट ऊपर निफ्टी की एक ऐसी स्टैक है जिसके अंदर 10 लाख पोजीशन बनी है, बट उसकी वैल्यू 1 रुपीज है। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है आदित्य जी, और यू आर गिविंग वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो मैं आपको दो पहलू शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन है मेरी कि यहां से 1000 पॉइंट ऊपर आउट ऑफ द मनी में 10 लाख का ओआई है, राइट, और उसकी प्रीमियम 1 रुपीज है, तो एज अ ऑप्शन राइट है मुझे 10 लाख रुपीज मिलेगा। सेकंड कंडीशन, यहां से 200 पॉइंट ऊपर का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की प्रीमियम है लेट से 200-250 रुपीज, और उसमें 50,000-70,000 ओआई है। आप जब ये कंपेयर करेंगे कि एज अ ऑप्शन राइटर यहां से 1000 पॉइंट ऊपर मुझे 10 लाख रुपीज बने हैं, जबकि जस्ट 200 पॉइंट ऊपर ऐसी स्ट्राइक मेरे पास अवेलेबल है जिसमें ऑप्शन राइट को प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, तो अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रेड कहते हैं राइट, तो सबसे पहले ऐसी स्ट्राइक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जहां पे आउट ऑफ द मनी भी हो और जहां पे वैल्यू भी हो, राइट। तो मैंने इसको बैक टेस्ट किया आज लास्ट के 2019 से हमारा वीकली निफ्टी आया है, बैंक निफ्टी उसके पहले आया था। मेरे पास एवरी 15 मिनट का पाइथन पे डेटा है, पूरे एमपी में चैलेंज है कि इतना क्वालिटी डेटा किसी के पास मिले। मेरे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक का एवरी 15 मिनट का ओआई का डेटा है, और निफ्टी बैंक निफ्टी का, जिसपे मैं अपनी बैक टेस्टिंग करता हूँ पाइथन पे या एक्सेल पे। मुझे ये आंसर मिला कि जो टॉप 11 स्ट्राइक्स होती है, 11 स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि एक एट द मनी, 5 आउट ऑफ द मनी और 5 इन द मनी। लेट से 16,000, अगर राउंड फिगर 16,000 की स्ट्राइक एट द मनी है, तो 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे। इस 11 स्ट्राइक को मैं मोस्ट सेंसिटिव स्ट्राइक बोलूंगा, मोस्ट वैल्यू स्ट्राइक बोलूंगा, क्योंकि मार्जिन स्ट्रक्चर के कारण यहां से 1000-2000 पॉइंट ऊपर में आपको हाईएस्ट ओआई तो मिलेगा, बट उसमें प्रीमियम नहीं होती है। तो मुझे अगर स्पेकुलेटिव ट्रेड करना है, स्टेडल स्टेंगल करना है, स्प्रेड करना है, मुझे एक ऐसी सही स्ट्राइक ढूंढना पड़ेगी, वो सही स्ट्राइक मुझे मिलेगी टॉप 11 के अंदर। तो मेरी पहली कंडीशन है कि मैं ऐसी स्ट्राइक ढूंढता हूं कि जो आउट ऑफ द मनी भी है और जहां पे वैल्यू भी है। तो निफ्टी के केस में मैंने टॉप 11 वर्ड बोला और बैंक निफ्टी के केस में टॉप 21 बोला। निफ्टी के केस में 11 बोला और बैंक निफ्टी के केस में टॉप 21 बोला। मेरी एक्सेल एवरी 15 मिनट मुझे अलर्ट देती रहती है कि अगर ये कोई भी स्ट्राइक उसमें से एग्जिट होती है या बाहर निकलती है, वो मुझे अलर्ट देता रहता है कि वैल्यू वाइज स्ट्राइक मुझे मिलती रहे, उसी स्ट्राइक में मैं मेरी पोजिशन बनाता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब बड़े प्लेयर ने पोजिशन उसी में बनाई है तो मैं भी उसी में बनाऊं, तो मैं ट्रेन के साथ, मार्केट फ्लो के साथ अच्छा प्रॉफिट ले सकता हूं। तो डेली बेस पे मेरी एक्सेल या मैं ओआई टॉप 3 कहां पे है इन 11 स्ट्राइक में, ओआई चेंज जब पॉजिटिव साइड कहां पे बन रही है इन 11 स्ट्राइक में निफ्टी में, और टॉप 3 ऐसी स्ट्राइक जहां एग्जिट हो रही है इन 11 स्ट्राइक में, ये 3 चीजें सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहला काम करता हूं जो ये 11 स्ट्राइक्स है ये वैल्यू वाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा ओआई कहां पे इन 11 स्ट्राइक में, ओआई चेंज पॉजिटिव साइड कहां पे है और ओआई चेंज नेगेटिव साइड कहां पे है। मैं इन तीनों का होमवर्क डेली करता हूं और मेरा सारा ट्रेड इन्हीं पे होता है, चाहे मैं स्ट्रेडल करूं, स्ट्रेंगल करूं, स्प्रेड करूं, रेशियो स्प्रेड करूं, कुछ भी करूं, राइट। और बैंक निफ्टी के केस में टॉप 21 स्ट्राइक। तो मैंने पहला ये बोला कि सही स्ट्राइक अगर आपने आइडेंटिफाई करी तो इस मार्केट का 80% काम आपका आसान हो गया, क्योंकि 80% टाइम आउट ऑफ द मनी बनी ही जीरो होने के लिए है।
सेकंड मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि वैल्यू वाइज स्ट्राइक मिलेगी कैसे आपको, राइट? तो वैल्यू वाइज स्ट्राइक मिलती ऐसे है कि हम उसके ओआई चेंज को अगर प्रीमियम जो एलटीबी चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करें, टॉप 11 स्ट्राइक का निकालू मैं, इन 11 स्ट्राइक में जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिले, यानी एज अ ऑप्शन राइटर मुझे सबसे ज्यादा पैसा कहां पे बन रहा है, अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूं, आपको उससे बहुत इजी हो जाएगा। मैंने ये बोला है कि मैंने इन टॉप 11 स्ट्राइक को, इन टॉप 11 स्ट्राइक को इन टर्म्स ऑफ निफ्टी उनके एलटीपी प्राइस से मल्टीप्लाई किया, और इन टॉप 11 स्ट्राइक में जिसमें सबसे ज्यादा प्रीमियम यानी वैल्यू वाइज मिल रहा है वो मेरे लिए सबसे सेंसिटिव स्ट्राइक है, तो मेरे पास कॉल से एक मिलेगा और पुट से एक मिलेगा। तो लेट्स से अगर एग्जांपल लूं मैं वैल्यू वाइज में 16300 पे, 16300 की जो स्ट्राइक है कॉल साइड वैल्यू वाइज फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद सबसे ज्यादा राइटर को पैसा जो बना है वो बन रहा है 16300 की स्ट्राइक में, जिसकी प्रीमियम है 108 रुपीस। तो अगर मुझे मार्केट का अपर जोन आइडेंटिफाई करना है तो सबसे इजी आंसर है 16300 प्लस 108 रुपीस मेरे लिए अपर जोन हो गया 16408। अगर मार्केट 16408 के ऊपर जाएगा तो इस ऑप्शन राइटर जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला है उनका पेट दुखने वाला है। सेम वैसे ही मुझे पुट से भी मिलता है आंसर, आप देखेंगे 16200 पे 149 का प्रीमियम है, तो मेरे लिए 16200 माइनस पुट का अगर ब्रेक इवन देखूं तो 16050, तो मेरे लिए फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से अपर जोन हो गया 16408 और लोअर जोन हो गया 16050। ये जोन अगर मुझे मिल गया है इसका मतलब ये है कि राइटर को सबसे ज्यादा पैसा जहां बन रहा है ये अपर और लोअर लिमिट है। मेरे गुरु और मैं इसको नाम देते हैं लक्ष्मण रेखा। 80% मार्केट, राजीव जी 80% मार्केट इंट्राडे में ऊपर नीचे के इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करता है। तो अगर मैं 16400 के ऊपर के कॉल शॉर्ट करूं स्ट्रेटजी बनाने के लिए या 16050 के पुट शॉर्ट करूं स्ट्रेटजी बनाने के लिए, मेरी प्रोबेबिलिटी 80% टाइम होगी विनिंग की एज अ ऑप्शन राइटर। आई होप मेरा पहला होमवर्क आप तक पहुंचा होगा कि हम हाईएस्ट ओआई की जगह वैल्यू वाइज हाईएस्ट ओआई कहां पे है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। सेकंड चीज, जब भी हम ओआई चेंज की बात करेंगे तो ये मुझे डायरेक्शन भी बताता है। तो मेरा सेकंड होमवर्क ये होता है कि इन 11 स्ट्राइक्स के अंदर टोटल ओआई कॉल में कितना चेंज हो रहा है लाइव मार्केट में, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग या हमें मदर नेचर बोलती है कि यार गर्म खाना खाना चाहिए फ्रेश, तो ओआई लेवल पे हो सकता है आपको कोई अलग स्ट्राइक मिले, बट इंट्राडे में ओआई चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओआई चेंज का मतलब ये हुआ कि इन टॉप 11 स्ट्राइक में अगर कॉल की ओआई पुट से ज्यादा है तो मार्केट बियरिश है, अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट राइटिंग से तो मार्केट बियरिश है, और पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज्यादा है तो मार्केट बुलिश है। तो मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया है कि अगले एक घंटे हम जो भी बात कर रहे हैं एज अ ऑप्शन राइटर के माइंड से हम बात करेंगे। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में मुझे बुलिश प्ले करना है या बियरिश प्ले करना है। तो मेरा ओआई का पहला होमवर्क ये बोलता है कि वैल्यू वाइज आइडेंटिफाई करो स्ट्राइक को। दूसरा, ओआई चेंज कॉल राइटिंग में ज्यादा है कि पुट राइटिंग में ज्यादा है इन टॉप 11 स्ट्राइक में। थर्ड, मुझे अब पावर आइडेंटिफाई करनी है। अब मैं
आपको राजीव जी दो अलग अलग कंडीशन देता हूं, कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट राइटिंग से निफ्टी में लेट से, और वो 3% ज्यादा है, 5% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो मैंने बैक टेस्टिंग में ये असाइन किया कि कॉल राइटिंग इन 11 स्ट्राइक में अगर 30% से ज्यादा है तो मुझे निफ्टी में कम से कम 90 टू 100 पॉइंट का मूवमेंट इजीली मिलता है। तो मैंने ये असाइन किया कि कब मुझे एग्रेसिवली ट्रेड करना है, तो जब भी ओआई चेंज 30% से ज्यादा डिफरेंस मिले मुझे एग्रेसिवली ट्रेड करना है। सेकंड, अगर आपको कॉल ओआई चेंज इन 11 स्ट्राइक में पुट ओआई चेंज 3 टाइम मिले तो मुझे मेरी क्वांटिटी डबल कर देनी चाहिए। तो मैंने मेरी पोजीशन साइजिंग को अपने होमवर्क के साथ बैक टेस्टिंग करके पहले से फिक्स कर रखा है कि लेट से नॉर्मल 100 क्वांटिटी में रोज ट्रेड करता हूं, अगर 30% से ज्यादा ओआई चेंज का डिफरेंस मिले तो, अगर ये डिफरेंस 3 टाइम से ज्यादा मिले कॉल ओआई और पुट ओआई तो मैं मेरी क्वांटिटी डबल कर देता हूं। अगर तीसरी कंडीशन कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है और पुट राइटिंग एग्जिट होती जा रही है, मेरे गुरु और मैं इसको बोलते हैं सोने पे सुहाग, इसको दोस्त और दुश्मन की तरह कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉल राइटिंग भी बोल रहा है मार्केट बियरिश है और पुट राइटर भी एग्जिट करके भाग रहे हैं, तो कॉल और पुट अगर दोनों ही सेम आंसर दे इसको और ज्यादा पावरफुल डेटा बोला जाता है। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले मेरी वर्कशॉप कंप्लीट हुई है 30 डेज की, शायद थोड़ी आवाज आपको अलग से आ रही होगी, आई एम सो सॉरी। तो मैंने ये बोला है कि अगर ये ओवर चेंज कॉल और पुट में ऐसा मिले कि कॉल राइटिंग हो रही है और पुट राइटिंग एग्जिट हो रही है, ये सोने पे सुहागा है। मेरा मानना है कि जब भी इस तरह का माहौल होता है कम से कम 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मुझे निफ्टी में मिलता ही मिलता है। तो मैंने पहला ये बोला कि मुझे आइडेंटिफाई करना है किस स्ट्राइक में उनकी पोजीशन है, सेकंड मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू वाइज कहां पे है, और थर्ड उसकी पावर कितनी है। आई होप किसी को इसमें डाउट हो तो राजीव सर अगर बीच में भी कोई पूछना चाहे तो मैं कंफर्टेबल हूं, बट जैसा आप गाइड करेंगे हम वैसा करेंगे। मेरा ये मानना है कि पावर आइडेंटिफाई करेंगे तो काम और आसान होगा। मेरे गुरु राजू सर बोलते हैं कि ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि आज का मार्केट। आदित्य जी आप आदित्य जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, बाद में क्वेश्चन आंसर रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो मेरे गुरु ये लाइन बोलते हैं कि एज अ ट्रेडर मेरे होमवर्क से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि आज के दिन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या पावरफुल मूवमेंट आने वाली है कि रेंज बाउंड आने वाला है, तो हम उसके अलग अलग होमवर्क करके पता लगा सकते हैं। वैसे ओआई डेटा से भी आंसर मिलता है कि अगर मुझे 3 टाइम से ज्यादा ओआई चेंज का डिफरेंस मिले, अगर मुझे कॉल राइटिंग मिले और पुट राइटिंग एग्जिट मिले तो ये पावरफुल डेटा है। इस दिन मेरी क्वांटिटी स्टार्ट ही 3 टाइम से होती है। मैंने होमवर्क में पहले से मेंशन कर रखा है कि अगर रोज में 100 लॉट करूंगा तो 3 टाइम मिलेगा तो 200 लॉट करूंगा, और अगर ओआई चेंज 1 में प्लस और 1 में माइनस मिले, इसको सोने पे सुहागा डेटा बोलता हूं, मैं क्वांटिटी सीधे 3 टाइम करूंगा। कल का आप डेटा देख सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, राइट? ऐसे स्ट्राइक्स आपको मिलेगी टॉप 11 में कि बहुत सारे पुट राइटर एग्जिट हुए थे, इसीलिए कल गैप डाउन आने के बावजूद हमें ट्रेंडिंग डायरेक्शनल नीचे का मिला है। तो मैंने ये बोला है सर कि ओआई डेटा है अपनी जगह और प्राइस लेवल है अपनी जगह, दोनों में मुझे सेम आंसर मिलता है, मैं टेप पंच कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ट्रेड तभी पंच करता हूं जब मुझे प्राइस एंड ओवाई सेम आंसर देती है, पहली कंडीशन।
कितनी बार ऐसा भी होता है कि निफ्टी में कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है और बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, मैं उस दिन ट्रेड अवॉइड करता हूं, मैं उस दिन स्ट्रेटल स्ट्रेंगल कर लूंगा बट डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को बड़ा ट्रेंडिंग मूव देना है तो दोनों को सेम आंसर देना पड़ेगा। मेरी बैक टेस्टिंग ये सजेस्ट करती है कि बड़े मूवमेंट तभी आते हैं जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेम आंसर देते हैं। तो हमने जो भी होमवर्क आपसे मैंने अभी ओआई का शेयर किया, राइट, उसमें पावर आइडेंटिफाई करी। पावर आइडेंटिफाई करने से मेरा टाइम, मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है कि कब मुझे एग्रेसिवली ट्रेड करना है और कब मुझे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना है। इसको मैं नए वेरिएंट के साथ आपसे शेयर करता हूं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में लेस देन 30% का ओआई चेंज है तो उस दिन मुझे छोटे प्रॉफिट के लिए वर्कआउट करना है, और अगर किसी दिन 3 times से ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का डिफरेंस मिले उस दिन मुझे अपने स्टॉप लॉस इतने जल्दी चेंज नहीं करने क्योंकि बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो मेरे गुरु बोलते हैं कि अगर ये पहले से आइडेंटिफाई हो गया कि कब मुझे बड़े प्रॉफिट के लिए फाइट करना है और कब मुझे छोटे प्रॉफिट के लिए फाइट करना है, काम आसान होगा। मेरा ये मानना है जो मैंने मेरे गुरु से सीखा, जितना टाइम होमवर्क करने में लगे उससे 1/3 से ज्यादा मार्केट में रहने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा जरूरत पड़ा है तो कुछ तो गड़बड़ है। आई रिपीट, जितना टाइम होमवर्क करने में लगे उससे 1/3 से ज्यादा टाइम मार्केट में आपको बिताने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा रिटर्न आएंगे। सेकंड, मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मेरा सेकंड टॉपिक जो था, तो ओआई का टॉपिक मेरा यहीं पे खत्म होता है। मेरा सेकंड टॉपिक है विक्स के ऊपर। मैं मेरा विक्स का होमवर्क भी डेली करता हूं 3 minutes के चार्ट के ऊपर। जैसे अपने ऑप्शन का चार्ट लगाते हैं, स्पॉट का चार्ट लगाते हैं, स्टॉक का चार्ट लगाते हैं, वैसे ही डे थ्योरी का होमवर्क में मेरे विक्स पे भी करता हूं। अगर विक्स मुझे ओपन के नीचे मिले, यानी ओपन मतलब होता है हमारा फर्स्ट मॉर्निंग का पहला ट्रेड, तो विक्स अगर मुझे लो टॉप लो हाई बनाए तो मैं एग्रेसिवली ट्रेड करता हूं स्ट्रेटल स्ट्रेंगल। अगर विक्स ओपन के ऊपर है तो मैंने क्या किया, मेरे गुरु से एक बड़ा प्यारा बुक मिली थी मुझे पिवट बोस करके, उसमें एक सीपीआर करके एक बहुत प्यारा सा टूल है। मेरे गुरु से मुझे यह सीखने को मिला कि सिंपलिसिटी में बड़ी पावर होती है। आज का हाई, एक दिन पहले का हाई, एक दिन पहले का लो और एक दिन पहले का क्लोज, वीक्स को इन तीनों को डिवाइड बाय 3 करूंगा तो मुझे पिवट लेवल मिल जाते हैं। तो मैंने ये किया कि एक दिन पहले का वीक्स का हाई, एक दिन पहले का लो और एक दिन पहले का क्लोज, इन तीनों को एड करके अगर डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मुझे अगले दिन का पिवट लेवल मिल जाता है विक्स का। उस पिवट लेवल के नीचे मार्केट विक्स मुझे सेल दे रहा है, उस पिवट लेवल के ऊपर मार्केट मुझे बाय दे रहा है। तो जितना होमवर्क मैं ओआई ऑप्शन की प्राइस पे करता हूं उतना ही होमवर्क मैं विक्स पे भी करता हूं। ये विक्स हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और अगर इसको इग्नोर किया तो ये सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तो अगर विक्स सेल दे रहा है पिवट के नीचे तो मैं मेरी राइटिंग स्ट्रेटल स्ट्रेंगल एग्रेसिवली करूंगा, या फिर अगर मुझे विक्स पिवट के ऊपर बाय देता है तो मैं उस दिन मेरी क्वांटिटी 1/3 करूंगा और छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल जाऊंगा। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा कि अगर मुझे विक्स में बाय मिले तो मैं एग्रेसिवली ऑप्शन राइटिंग नहीं करता, अगर विक्स में मुझे सेल मिले
तो मैं एग्रेसिवली ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटजी यूज करता हूं। अगर विक्स बाय दे रहा है, आई रिपीट, अगर विक्स बाय दे रहा है तो मैं छोटे प्रॉफिट के लिए ही ऑप्शन राइटिंग की फाइट करूंगा, और अगर विक्स सेल दे रहा है तो मैं मेरे बड़े प्रॉफिट के लिए फाइट करूंगा। अगर विक्स बाय दे रहा है तो मैं मेरी ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटजी में या हेजिंग करूंगा। मैं नॉर्मली हेजिंग नहीं करता हूं, बट अगर विक्स में बाय मिले तो मैं मेरी ऑप्शन स्ट्रेटजी में भी हेज करता हूं। I'm so sorry. See, wait a second. मेरा ये मानना है कि इस विक्स को भी आप एज अ फ्रेंड की तरह यूज करें और इसके अपोजिट कभी मत जाए। अगर विक्स में बाय मिले, हाई टॉप हाई बॉटम मिले, पिवट लेवल के ऊपर मिले, तो हम अपनी ऑप्शन में स्टेनलेस स्ट्रेंगल को आयरन कॉन्डूर बनाए या आयरन फ्लाई बनाए या हेज करें। और अगर विक्स में सेल मिले, आपको हेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने ये फिक्स किया कि मैंने मेरे गुरु से ये सीखा, SIB स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उन्होंने एक ये गुरु मंत्र दिया है कि मैं छोटा एसएल डालता हूं और जिद करता हूं। तो अगर विक्स में सेल है तो मैं मेरा एसएल मॉडिफाइड करते जाऊंगा, जिद करूंगा जब तक मेरा टारगेट नहीं आता है। मैंने मेरे गुरु से यही सीखा है कि बड़े प्रॉफिट प्रॉफिट में एवरेज करके आते हैं या फिर स्टॉप लॉस मॉडिफाइड करके आते हैं। सामने से प्रॉफिट बुक करके कभी बड़ा पैसा नहीं बनता है। तो इसका हेल्प मुझे मिलता है विक्स से। अगर विक्स में सेल है तो मैं जिद करूंगा बड़े टारगेट के लिए, और अगर विक्स में बाय है तो मैं छोटे प्रॉफिट में के लिए भी मैं भी बहुत खुश रहूंगा। तो एज अ ट्रेडर मुझे यह आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आज विक्स में बाय है तो बड़े सपने देखना है क्या, कि छोटे सपने में भी खुश रहना है। सेकंड, सेम लॉजिक में मेरे स्टॉक के लिए ऑप्शन में यूज करता हूं। जितनी भी मैं चीजें शेयर कर रहा हूं आपसे, सेम लॉजिक स्टॉक ऑप्शन में भी यूज करता हूं। तो मैं सिर्फ ऋतिक भी स्टॉक में ट्रेड करता हूं। जब आप ऋतिक की स्पेलिंग ड्रॉ करेंगे, ये मोस्ट लिक्विड ऑप्शन है। इसमें HDFC ट्विन्स है, TCS है, इंफोसिस है, ICICI बैंक है, रिलायंस है, और ऋतिक बी में लास्ट है बजाज फाइनेंस। मैं ऋतिक बी के अलावा किसी का ट्रेड नहीं करता हूं, बट सेम लॉजिक उसमें भी है। वैल्यू वाइज स्ट्राइक आइडेंटिफाई करता हूं। अगर विक्स में बाय कॉल है निफ्टी के, तो मैं ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी भी यूज करूंगा, और अगर विक्स में सेल है तो मैं ऑप्शन राइटिंग एग्रेसिवली करूंगा। मैंने CPR का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बोल दिया है, कल का हाई, कल का लो और कल का क्लोज डिवाइड बाय 3। बहुत सिंपल है, बट विक्स का होमवर्क करने से मेरा ROI पहले से और बेटर हो गया है। लास्ट 4 साल से एग्रेसिवली यूज करता हूं और डेली होमवर्क करता हूं। मेरे गुरु से मैंने ये सीखा कि प्लान ए और प्लान बी पहले से होमवर्क करके रेडी रखूं। इस मार्केट में 90% लोगों के पास प्लान ए नहीं होता है। मेरे गुरु ने मुझे प्लान बी का होमवर्क करने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किया। सबसे ज्यादा गाइडेंस में उनका ये था कि जब तक प्लान बी नहीं है, और आप मार्केट में देखेंगे प्लान बी इस मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉफिट ला के देता है, क्योंकि 90% लोग रेडी नहीं होते हैं प्लान बी के लिए। तो अगर विक्स में सेल है तो मेरा प्लान ए सेल चल ही रहा है, बट विक्स में बाय आ जाएगा तो मैं मेरी पोजीशन टर्न करने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। मेरी ऑलरेडी जो वर्कशॉप में जो मेरे तीनों रिसर्च पेपर हैं, आज उतना टाइम नहीं है कि मैं वो भी सारी चीजें शेयर करूं, जैसे एक रेड फ्लैग, एक गोल्डन रेशो, डायवर्जन, तीन का जो कुछ और भी स्ट्रेटजी है मेरे पास अवेलेबल।
जो कि आज पॉसिबल नहीं है, बट मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर ठीक से मैंने वैल्यू वाली स्टैक आइडेंटिफाई कर ली, मैंने विक्स पे होमवर्क कर लिया, तो इस मार्केट का 80% होमवर्क मेरे लिए हो गया है। तीसरा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी बैक टेस्टिंग ये सजेस्ट करती है कि मंडे हाईएस्ट प्रीमियम होता है। अभी तक हम देखते आए हैं कि लोग बोलते हैं कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे छुट्टी है तो टाइम डिके गलेगा मंडे, बट ये सैटरडे संडे तो उस ऑपरेटर एफआईआई को भी पता है ना कि आने वाला है, तो जो न्यूज पूरी दुनिया को पता है वो ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। आप लास्ट के 4 साल देखोगे तो मंडे 80% टाइम गैप अप गैप डाउन होता है, बिकॉज ऑफ गैप अप गैप डाउन विक्स बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं कभी भी ऑप्शन राइटिंग पोजिशनली फ्राइडे को कैरी करके नहीं आता हूं, मेरा ऑप्शन राइटिंग स्टार्टिंग मंडे ऑनवर्ड होता है। तो सही टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन राइटिंग आप कब यूज करते हो, 921 और 245, ये दो ऐसे टाइम है जब सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग की प्रीमियम गलना शुरू होती है। आपको मैक्सिमम 80% स्टेडल स्टेंगल के हाई लो जो मिलेंगे वो पहले 15 मिनट में मिल जाएंगे या 2:45 के आसपास लो मिलेगा। ये हाई लो का इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, तो ये टाइमिंग का भी बड़ा गेम है कि आप किस दिन, इसीलिए मैंने इसको भी बैकटेस्ट किया कि स्टेडल स्टेंगल कौन से दिन किस टाइम सबसे ज्यादा प्रीमियम ड्रॉप करते हैं, अपने हाई लो बनाते हैं। तो मेरी बैक टेस्टिंग ये बोलती है कि मंडे सबसे हाईएस्ट प्रीमियम होता है, तो जितना भी मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है वो मैं मंडे से करता हूँ। फ्राइडे कभी भी पोजिशनल ट्रेड कैरी नहीं करता क्योंकि मंडे गैप अप गैप डाउन होता है। सबके पास इजीली इंप्लाइड वोलेटिलिटी का अगर चार्ट हो तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है कि बेटर आंसर देगा विक्स से बेटर आंसर देगा इंप्लाइड वोलेटिलिटी का, बट कम से कम विक्स का होमवर्क तो जरूर करिए अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो। सो ब्रॉडली मैंने जो शेयर करना था वो ऑलरेडी कह दिया है, जैसे प्राइस में मैं होमवर्क करता हूं ऑप्शन की डो थ्योरी की, वैसे ही विक्स में भी करता हूं और इसको हमेशा एज अ फ्रेंड की तरह रखता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी पिक्चर ये लाके दे देता है कि जब मुझे आउट ऑफ द मनी कोई सेल करना है जो कि बनी जीरो होने के लिए और विक्स के साथ करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी पहले से हाई हो जाती है। राजीव सर ब्रॉडली मेरे एंड से इतना ही है, बहुत सिंपल चीजों को यकीन करता हूं, बहुत सिंपलिसिटी से ट्रेड करने की कोशिश करता हूं, दिन में सिर्फ 2 ही बार ट्रेड करता हूं। मेरा ये मानना है कि 2 bullets इन अ डे, आज दिन का अच्छा दिन है तो ही 2 ही bullet है और दिन खराब है तो ही 2 bullet है। कल नया दिन आएगा मैं फिर से ट्राई करूंगा, तो दिन के 2 ही trade करता हूं, बट इसीलिए मेरे सिस्टम में थोड़े फिल्टर ज्यादा होते हैं, थोड़े भाव खा के मेरे ट्रेड आते हैं, इसीलिए उनकी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी हाई होती है। तो दिन के 2 ही trade करता हूं, स्टेडल हो स्टेंगल हो दिन के 2 ही बार ट्राई करता हूं, बट OIN प्राइस के साथ करने से, विक्स के साथ करने से, और उसमें मैंने पोजिशनल साइजिंग का थोड़ा तड़का लगाया कि जब विक्स सेल है तो मैं एग्रेसिवली सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हूं, और अगर विक्स बाय में है तो मुझे बाय करने में भी कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन, या फिर राइटिंग में सेफ प्ले करूंगा। आदित्य भाई एक सवाल पूछूं आपसे। सर प्लीज। आप कितना कैपिटल यूज करते हो? कितना कैपिटल? सर मेरी 3 लोगों की टीम है, 3 अलग अलग स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं, जो मेरे लिए काम करती है सिर्फ, राइट? मेरा 80% पैसा जो है वो स्टेडल स्टेंगल के लिए अलाउ है। नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना पैसा? एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करूं तो अच्छा बड़ा फंड है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग फॉर लिविंग है, एनएससी की जॉब छोड़ के अपना शुरू किया है मैंने। आप सोच सकते हैं एनएससी की जॉब नॉर्मली रिटायरमेंट की जॉब बोला जाता था। नहीं नहीं, आई एम नॉट डाउटिंग योर एक्सपीरियंस,
I just right, wanted sir. To understand because basically I buy options. Right. And I don't buy off Nifty and Bank Nifty. It is not allowed for me. Means I don't look at Nifty, Bank Nifty, nothing. I play in stocks. Stocks. And that so, too in mid-cap. मैं option writer हूँ stocks में भी. Yeah. Aggressively मैं writing ही करता हूँ stocks में भी. क्योंकि मेरे लिए safety सबसे ऊपर है. Percentage return कम भी आए तो चलेगा. नहीं सर मैं तो एक जुआरी जब 60-70% टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है तो प्रीमियम टाइम डिके एग्रेसिवली ड्रॉप होता है और मैं उसी को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ तो बहुत बड़े सपने नहीं है मेरे मुझे परसेंटेज टर्म में बहुत छोटा रिटर्न चाहिए वो ऑप्शन राइटिंग से विद सेफ्टी हो जाता है तो मैं स्टॉक में भी मैं राइटिंग की स्ट्रेटजी ही यूज करता हूँ एग्रेसिवली नहीं मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं ऑप्शन बाई करता हूँ खाली ऑप्शन ओके ओके सर नो सेलिंग आई डोंट यूज मार्केट ओके सर और इलिक्विड में जाता हूँ ओके सर जैसे एस्ट्रल हुआ दीपक हुआ ये हुआ तो उधर आप जो कैलकुलेट करते हो ना वीक्स और जी? मैं अंगूठा छापू मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ पसंद आया दिमाग में कुछ बत्ती चलती है तो ले लेता हूँ दिमाग में बत्ती नहीं चलती है तो नहीं लेता हूँ तो मैं बहुत सारा ऑप्शन लेता हूँ ग्रेट सर ग्रेट और 70-80% वो पैसा आता ही है और ऐसे टाइम में तो बिल्कुल आता है so, मनीष जी मेरे एंड से मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कुछ और क्वेश्चंस हैं कुछ और डाउट है या कुछ मुझे बोलना चाहे तो प्लीज सो ब्रॉडली मैं एग्रेसिवली सिर्फ राइटिंग ही करता हूँ क्योंकि मेरे बहुत बड़े सपने नहीं है बट मुझे सेफ्टी चाहिए तो मैं जब इस मार्केट में आया था तो मेरे गुरु ने मुझे एक लाइन पूछी थी कि इस मार्केट में तू सही होने आया है या पैसा कमाने आया है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आंसर मैं इस मार्केट में पैसा कमाने आया हूँ चाहे मैं गलत हो जाऊं मेरे व्यू से तो ऑप्शन राइटिंग में मुझे मेरे पास व्यू नहीं भी है तो भी टाइम डीके और विक्स मुझे पैसा ला के देती है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ तो बिना व्यू के भी जब 60-70% टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है इसीलिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन राइटिंग इन स्टॉक हो या निफ्टी बैंक निफ्टी हो और मैं मोस्टली लिक्विड वाले में ही काम करता हूँ ऋतिक भी जो मैंने शेयर किया तो मेरे लिए चाहे कम मिले बट मुझे सेफ्टी चाहिए मुझे रिस्क कम लेना है राइट आदित्य जी यस सर तो बेसिकली अगर कोई ऐसा है जिसको ट्रेडिंग और ये ऑप्शंस ट्रेडिंग का एबीसी बिल्कुल मालूम नहीं है और शुरू से वो इस फील्ड की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका क्या सजेशन होगा हाउ वन शुड गो अबाउट इट और सेकेंडली जो रिस्क के बारे में थोड़ा आप ऑडियंसेस को बताओगे कि इनिशियली ऑब्वियसली वी आर लाइक playing against the institutions, तो थोड़ा एक better placement उनकी जो अगर वो trading करते हैं ऐसे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो या initial years में setback ना हो तो थोड़ा उस पर suggestion अगर आप दे पाए तो बिल्कुल सर सर मेरा इसमें दो पॉइंट है कि मैं बिना हेज के ओवरनाइट नहीं करता और मैंने ये फिक्स कर रखा है कि मैं आधे परसेंट से ज्यादा किसी भी सिंगल ट्रेड में रिस्क नहीं लेता टोटल अमाउंट का लेट से मैंने 100 रुपीज डाला है तो मैं आधा परसेंट से ज्यादा रिस्क नहीं लेता इन अ सिंगल ट्रेड फर्स्ट सेकंड मेरा ये बोलना है सर कि मेरे गुरु के कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपको इजीली मिल जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल वहां पे है और इतने अच्छे नॉलेज के साथ है मेरा रिक्वेस्ट है अगर पॉसिबल है तो आप राजू चोकसे सर का वीडियो
जरूर देखें, वो नंबर सिस्टम के टाइम साइकिल के खतरनाक एक्सपर्ट है और ओपनली सबके लिए अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, मेरा ये बोलना है जितनी भी चीजें दिखती है राइट इजीली, एक टाइम था सर जब मेरे चार्ट पे 10 से ज्यादा इंडिकेटर लगे होते थे, अभी तक 5000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है सर टेक्निकल एनालिसिस का, 21 डेज की 50 से ज्यादा वर्कशॉप करी है मैंने, 2 यूएस मार्केट के लिए भी करी, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी और गोल्ड सिल्वर के लिए भी, एमसीएक्स की टीम के लिए भी करा है सेम लॉजिक से। मेरे चार्ट पे लास्ट 5 साल से सर एक भी इंडिकेटर नहीं होता है, प्लेन वेनिला चार्ट होता है, 2 थ्योरी का होमवर्क करता हूँ, प्लान ए प्लान बी पहले से रेडी होता है, एक दिन में 2 बार ट्राई करता हूँ, आधे आधे परसेंट का 2 बार रिस्क लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि सिंप्लिसिटी में बड़ी पावर है, आप चाहें तो 50 इंडिकेटर भी लगा दें, बट मेरा मानना है कि 2 थ्योरी मोर देन इनफ इस मार्केट की। इतना सारा एनएसी के साथ एमसीएक्स के साथ वर्कशॉप करने के बाद, इतने सारे लोगों को मिलने के बाद ये समझ में आया कि जब सिंप्लिसिटी से पैसा बन रहा है तो क्यों कॉम्प्लेक्स करना। तो दिन के 2 ही ट्रेड करता हूं सर, छोटी रिस्क लेता हूं और प्रॉफिट में पूरी जिद करता हूं सर। जब लाइफ में 40% डिसीजन ही हमारे सही होते हैं, 60% टाइम गलत होते हैं, तो नॉर्मली आप देखेंगे सर गलत टाइम हमारे मैक्सिमम क्वांटिटी होती है और हम जिद करते हैं, सही टाइम हमारी लोएस्ट क्वांटिटी होती है, और ये सबके साथ होता है सर। मैंने भी ये सारी गलतियां करी तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं सर, बिना गलती के तो पॉसिबल ही नहीं है। हम सब ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हम सब बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, सब जानते हैं। तो मैंने फिक्स करा दिन के 2 ही ट्रेड करता हूं सर, प्रॉफिट में पूरी जिद करता हूं और लॉस में छोटा ऐसे ले। एग्जीक्यूशन का तरीका मैंने मेरे गुरु से सीखा। नॉर्मली हम इसके पहले करते थे, पहले ट्रेड करते थे फिर स्टॉप लॉस डालते थे। सॉरी मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मैंने पिछले 5 साल से अपना तरीका चेंज कर लिया, पहले स्टॉप लॉस डालता हूं सर और फिर ट्रेड पंच करता हूं। कितनी बार मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि आपका रेट तो मिस हो जाता होगा, मेरा ये बोलना जब लाइफ रैंडम है, कोई गारंटी दे सकता है कि 50% टाइम खराब रेट आएगा तो क्या 50% टाइम अच्छा रेट नहीं मिलेगा मुझे? तो ट्रेड का एग्जीक्यूशन का तरीका चेंज किया, पहले एसएल का लगाता हूं फिर ट्रेड करता हूं, चाहे स्ट्रेडल हो स्टेंगल हो रेशो हो स्प्रेड हो नेकेड ऑप्शन राइटिंग हो, बिना स्टॉप लॉस डाले मैं ट्रेड पंच कभी नहीं करता। आई होप सर आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया मैं। आदित्य जी नमस्कार, नीलेश बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपके गुरुजी को सादर प्रणाम। थैंक यू सर। दूसरा आपको जो आपके गुरु के लिए जो रिस्पेक्ट है वो कमेंडेबल है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज गुरु के बिना आगे कोई भी बढ़ नहीं सकता है। तो आपको जो भी ट्रेनिंग मिली है और आपने आप इतने निखर पाए हैं और इतने आप कोचिंग कंडक्टिंग और ये जो सबको सिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा काम है, भलाई का काम है। विद्या विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे भी कुछ गुरु हैं, उन्होंने ये सिखाया है। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, तो छोटी सी बात एक पूछना चाहूंगा। सब जो किसी का माइंडसेट ऑप्शन सेलिंग में नहीं है और सिर्फ ऑप्शन बाइंग में है, और उसको छोटा आदमी है 10,000, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया अगर वो रिस्क पे लगा के उसको पैसा कमाना है, तो वो सर कैसे कर सकते हैं? तो सर मेरी भी 80% स्टूडेंट है जो कि ऑप्शन बाइंग ही करते हैं सर। हाँ, तो मैंने उनका तरीका थोड़ा चेंज किया सर, राइट। मैंने उसमें कंडीशन डाली, हमारी ऑप्शन बाइंग की भी एक चेकलिस्ट अलग से बनवाता हूँ सर। उसमें पहला तरीका ये है कि हम कभी भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे सर, राइट। पहली कंडीशन। दूसरा, टाइम डीके मंथली वाले में कम होता है, टाइम डीके वीकली में ज्यादा होता है, तो कोशिश करें जब भी ऑप्शन बाय करें मंथली वाला ऑप्शन बाय करें, राइट। तीसरी कंडीशन होती है मेरी कि इन द मनी और एट द मनी ऑप्शन बाय करें। चौथी कंडीशन ये होती है कि आप करें तो स्प्रेड करें सर, जिसमें आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी और जिस अमाउंट से आप कर रहे हैं उसमें और बेटर परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। तो आप इन द मनी और एट द मनी आप बाय करें और आउट ऑफ द मनी को सेल कर दें, जिसको अपने डेबिट स्प्रेड बोलते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि मेरे भी 80% स्टूडेंट सबका यही होता है कि सर ऑप्शन राइटिंग में मार्जिन लगता है, पैसा बड़ा लगता है, बट ये थॉट गलत है सर। जब 1,25,000 रुपए मुझे एक ऑप्शन राइटिंग का लगता है तो मैं क्रेडिट स्प्रेड बनाऊं तो 30,000 से एक स्प्रेड बना सकता हूं। ओके, आउट ऑफ द मनी में आप रेशियो स्प्रेड बनाए, आप आउट ऑफ द मनी में क्रेडिट स्प्रेड बनाए, राइटिंग की स्ट्रेटजी 30,000 से शुरू होती है निफ्टी में सर, इतना सिंपल है, हमने करा नहीं है इसलिए ऐसा दिखता है सर। राइट, टाइम के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि चार कंडीशन है, चौथी कंडीशन ये है कि अगर विक्स बाय में है तो आप एग्रेसिवली ऑप्शन बाइंग करिए। राइट, आई होप सर, मेरी एक चेकलिस्ट ही अलग है, वो चारों पॉइंट मैंने आपको बताया है। राइट, पांचवी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं आपको मेरी स्क्रीन शो नहीं कर पा रहा हूं तो दिखा नहीं पा रहा हूं, बट आई होप मैं जो पांचवा पॉइंट अभी बोलने वाला हूं, कभी भी ऑप्शन बाइंग ब्रेकआउट पे बाय मत करिए, रिट्रेसमेंट में बाय करिए। राइट, ऑप्शन राइटिंग ब्रेकआउट पे करें, रिट्रेसमेंट में करें, कैसे भी करें, क्योंकि आउट ऑफ द मनी बने ही जीरो होने के लिए, बट ऑप्शन बाइंग कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करें, नए हाई पे बाय मत करें, वो रिट्रेसमेंट में बाय करें। बराबर है, तो ये पांच मेरी चेकलिस्ट में पॉइंट होते हैं ऑप्शन बाइंग के सर। मैं भी करता हूं बाइंग सर, एक पॉइंट और बोल देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें। हाँ हाँ, बताइए बताइए। एक्सपायरी के दिन 12:30 के बाद में ही ऑप्शन बाय करता हूँ। ओके, 12:30 के बाद बराबर है, जब टाइम डिके अच्छा खासा डल चुका होता है वीकली का भी। आई होप सर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाया। राइट, और दूसरा मुझे पूछना था, ये ऑप्शन बाइंग में ये इलियट वेव की थियरी चलती है, 1 मिनट के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट में, आपका क्या अनुभव है? मेरा ये मानना है कि सर बहुत सारे जूते खाने के बाद यहाँ तक पहुंचा हूँ सर, चलता तब है सर, प्रॉब्लम क्या है पता है? हाँ, हम किसी दिन 1 मिनट के चार्ट पे होते हैं, किसी दिन 10 दिन के डेली चार्ट पे होते हैं, किसी दिन 1 घंटे पे होते हैं। राइट, तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, कम से कम 90 दिन उसको बाय हार्ट फॉलो करो, उसमें ना टाइम चेंज होना है ना कोई चीज चेंज करो। एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने कहा रिट्रेसमेंट पे बाय करना है, ठीक है, तो समझो फॉर एग्जांपल 0 से फर्स्ट वेव बन गया बराबर, और आपका रिट्रेसमेंट आता है से 0.618 आता है, तो वहां पे आपने 0.6 आता है, 50% पे मिल रहा है, बिल्कुल वहां पे कोई बाइंग सेटअप नहीं है, वो छोटी रिस्क का बाय होगा फिर। और से फॉर एग्जांपल आपने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 500 आपने क्वांटिटी खरीदी है, तो आप एटलीस्ट 300 बुक कर दे और 200 राइड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, ऐसा कर सकते। परफेक्ट सर, तो मेरे 2 पॉइंट और हैं, आपने पूछे ही है तो मैं आपसे 2 पॉइंट और शेयर कर देता हूं। Right. सर, इस मार्केट में बाइंग तो गुना है वैसे तो, हाँ, पर फिर भी अगर जबरदस्ती करनी है तो मेरी जितनी राइटिंग होती है उसकी 1/3 से ज्यादा मैं कभी बाय नहीं करता सर। ये जो छठी कंडीशन है मेरी, सातवीं कंडीशन है कि मेरे ऑप्शन बाइंग करते ही मैं टारगेट पहले से डाल देता हूँ, 80% 50% क्वांटिटी डाल देता हूं, क्योंकि वो पूछ वाली कैंडल बना के वापस नीचे आ जाते हैं, आपको मौका ही नहीं देगा बुकिंग करने का। हमको लगता है ऑप्शन 100 का बाय किया तो ये 1,000 ही होता है, वो विद इन अ सेकंड 900 का है, वापस नीचे आ गया। आप WD गेन के रूल पढ़ोगे, 28 रूल्स, उसमें मेंशन है कि इस ऑप्शन बाइंग में किस्मत वालों को प्रॉफिट आता है, तो पैसा जब भी डबल हो एटलीस्ट आधा तो बुक करिए, और ऑप्शन बाइंग में टाइट एसेट डाला जाता है हमेशा। आई होप सर मेरे पॉइंट आप तक पहुंचे होंगे, और ये बहुत एग्रेसिवली यूज करता हूं सर, तो मेरी बाइंग आप जनरली देखोगे कि जब 10-20 रुपए 50 रुपए वाले ऑप्शन होते हैं ना, रोज 10 लॉट करते तो बाकी सब लोग 100 करते हैं, मेरे उल्टा करा है, जब गुना है तो मैं 1/3 करता हूं जितनी राइटिंग करता हूं। आप बोलोगे वो तो सेम होता है बाइंग तो, जबकि गुना है ना सर। राइट राइट, आदित्य जी थोड़ा एनालिसिस मैं आपके बारे में कर रहा था, मुझे लग रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 इसमें से कुछ होनी चाहिए। 16th है सर, अगली एक्सपायरी सर 16 जून है, यानी 7 नंबर आता है बराबर सर।
हाँ, तो आपका जो इनोवेटिव एरिया है उसमें आपकी काफी प्रोग्रेस होगी। ये मेरे और से मेरे एंड से आपका रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। यस यस। अच्छा, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। सातेज जी हैं, सातेज जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सातेज, मिस्टर सातेज चौहान। मिलिंद, मैंने रिक्वेस्ट आपको भेजा है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हाथ ऊपर करके रिक्वेस्ट के लिए भेज सकते हैं। हम आदित्य जी जुड़े हुए हैं तो उनसे आपके सवाल का उत्तर ले सकते हैं। आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन है नहीं। मनीष जी, निलेश जी, मैं एक छोटा सा इनसे सवाल। आदित्य जी, आप एक सिनारियो लेके चलिए। मान लो कोई ट्रेडिंग नहीं करता है, लेकिन हाँ वो जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा या विक्स में जो मूवमेंट हो रही है उसके थ्रू अगर अपनी इन्वेस्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन इन्फर करना चाहता है, तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं? ओके ओके ओके। तो सर, सबसे इजी तरीका है, जब भी विक्स प्लस होता है तो मार्केट बियरिश होता है। दोनों का नॉर्मली नेगेटिव कोरिलेशन होता है। विक्स अनसर्टेनिटी बताता है, जब भी वाई जोन होती है तब भी तब कुछ गलत होता है तभी विक्स तेजी से बढ़ता है, राइट? तो मैंने इसमें ये फिक्स किया कि जब मेरे इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने अभी आपको बोला था कल का हाई, कल का लो, कल का ओपन डिवाइड बाय थ्री, मैं इसी को वीकली लेवल पे कर लूं तो वही मेरा पोजिशनल विक्स आंसर दे देगा मुझे। उसी को मंथली डेटा पे कर लूं तो मुझे मंथली लेवल पे डेटा मिल जाएंगे। तो अगर विक्स में सेल है तो आप इन्वेस्टमेंट में बाय में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और विक्स में अगर बाय है तो इन्वेस्टमेंट वाले में दिक्कत आना तय है। मैं एज अ ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम में काम करता हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली और मंथली लेवल पे विक्स का होमवर्क करता हूं सर। आई होप सर मेरी आवाज आप तक पहुंची होगी। याद इतने दी, थैंक यू। वेल्थवर जी, आपका भी कोई आदित्य जी से सवाल हो ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, जी सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सही? यस सर, अच्छे से आ रही है। अच्छा सर, एक्चुअली आज के स्पेस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रही है हमारे पास कनेक्टिविटी की, जिसकी वजह से मैं बहुत ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन जितना मैं सुन पाया उसके हिसाब से काफी डिटेल में आदित्य जी ने एक्सप्लेन किया है ओपन इंटरेस्ट के संबंध में और इसका रिलेशन बताते हुए। तो बस खाली उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आदित्य जी ने जिस प्रकार से अभी विस का ओपन हाई लो एंड क्लोज के आधार पर जो डिवाइड करके उसका बाइंग मोड और सेलिंग मोड निकालने की बात बताई है, तो शायद मैं समझ से ये पिवोट पॉइंट के आधार पर ही हाई लो एंड क्लोज को डिवाइड करके और बिल्कुल उसके नीचे शायद वो सेल मानते होंगे या ऊपर बाई मानते होंगे, क्यों आदित्य जी? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो इसमें एक पॉइंट केवल मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे यही सेम थिंग हम निफ्टी या किसी भी स्टॉक के संबंध में भी डेली बेसिस पे पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यूज करता हूँ सर, जी ऑप्शन के प्राइसिंग पे यूज करता हूँ सर। मैंने हाँ नॉर्मली नहीं, लोगों को देखा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य जी, आप कर रहे हैं, लेकिन यही मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग भी इस बात को समझ लें कि अगर पिवोट पॉइंट को आप अपने उस पर प्लॉट कर लेंगे तो एक्चुअली क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी होती हैं किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने के लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कि हम मूविंग एवरेज निकालते हैं, हम प्रीवियस हाई लो, प्रीवियस वीक का हाई लो या प्रीवियस मंथ का हाई लो, है ना जी? बट पिवोट पॉइंट होता है इसमें ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करते समय इन सब चीजों को वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है।
तो हर पिकोर के साथ में, चाहे वो डेली बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो, आपको उसके साथ ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मिल जाते हैं। तो अच्छी स्थिति में इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय, जैसा अभी आदित्य जी ने डिटेल में बताया कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करना चाहिए, आप ओपन इंटरेस्ट को रीड करके विस को भी रीड करिए, और साथ साथ पिवोट पॉइंट के बेसिस पर भी आप निफ्टी या स्टॉक को रीड करेंगे तो शायद और अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा, और आपके सामने रेजिस्टेंस भी अवेलेबल होंगे, आपके सामने सपोर्ट भी अवेलेबल होंगे। तो आप उन रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपने माइंड में रखते हुए अपनी पोजिशन को प्लस या माइनस दोनों तरफ में किसी भी बना सकते हैं। ठीक है, सही है बात, बिल्कुल सही सर। हाँ, तो बस मैं यही ऐड थोड़ा करना चाह रहा था, बाकी आदित्य जी ने बहुत डिटेल में बताया है, और अगर इसको ओपन इंटरेस्ट को देखना लोग समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी कंटिन्यूस बात करता हूँ ओपन इंटरेस्ट को, लेकिन मैं इतना महसूस करता हूँ कभी कभी ओपन से बेहतर हमको चार्ट दे देता है, लेकिन ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ही मार्केट चलती है। जैसे आदित्य जी ने पी बढ़ रहा है, पी घट रहा है तो मार्केट सेम वे, पी बढ़ रहा है, सी घट रहा है तो मार्केट है। तो ये नॉर्मली यही देखा जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ऊपर भी होता है, तो वो हमें चार्ट से उसका काफी अच्छा क्लियरेंस मिल सकता है। बस मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा, और थैंक यू। थैंक यू सर। आदित्य जी, एक प्रश्न है मेरा यूएस मार्केट के संदर्भ में। कल हमने जो देखा डाउ जोन्स में 800 पॉइंट की गिरावट आई, और विक्स करीबन 28 साढ़े 28 के करीब वहां पे पहुंच गया थे। नॉर्मली ये लेवल्स हैं जो वहां पे जहां से विक्स वापस कूल्ड ऑफ होता है 28 और 34 के बीच में, तो आपका क्या अनुभव है, आप कुछ शेयर करेंगे सर? सर सर, मेरा भी यही मानना है कि ये 28 के ऊपर जो भी है इसमें मार्केट अच्छा तो नहीं दिखता है। हाँ, और अगर वापस 28 के अंदर चले जाए तो शायद हम थोड़ा सा रिकवरी देखें, बट हिस्ट्री हमेशा रिपीट हो रही है सर। आप पुराने जिस साल में एफआईआई की बड़ी सेलिंग हुई है और इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं उस टाइम पे ये हमेशा 28 के ऊपर मेंटेन रहा है पूरे साल सर, तो इस साल बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है सर मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है सर ये। राइट, छोटे मोटे स्पाइक आ जाएंगे, बट ये साल शेयर मार्केट का नहीं है, ट्रेडर का है सर, दोनों साइड प्ले करने का। हाँ, इन्वेस्टमेंट का साल नहीं है सर ये, क्योंकि एफआईआई ने जितनी सेलिंग करी सर इतनी बहुत रैली कभी देखी है सर। हाँ, और नॉर्मली एज ए इंडिया हम हमेशा फॉलोअर हुए, यूएस पहले इंटरेस्ट रेट हाइक करता है हम बाद में, कितनी बार तो हम पहले कर रहे हैं इस बार और हमें फॉलो कर रहा है यूएस, ये सारे साइन अच्छे तो नहीं है सर। इसीलिए एग्रेसिवली विक्स अगर बाई दे रहा है तो मेरा ये मानना है कि सर इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके जी। ट्रेडिंग अलग चीज है सर, वो स्टॉप लॉस डाल करते हैं अपने जी। राइट, अच्छा, और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, वी विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो आदित्य जी, जैसा कि आप अपने गुरुजी के बारे में और उनके YouTube वीडियोस के बारे में बता रहे थे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लेस दोज वीडियोस ओवर योर ट्विटर हैंडल सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय आवर ऑडियंसेस। मोर ओवर, आप कोई जो ऑडियंसेस हैं उनको अगर कोई क्वेश्चन है वो अभी भी पूछ सकते हैं, या इनके हैंडल पे इनसे जुड़ के भी उन सवालात को क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जैसा कि आदित्य सर ने इनिशियली डिस्क्लेमर दिए थे कि भाई दिस स्पेस इज एजुकेशनल, तो आप सब इसको एजुकेशन पर्पज से समझे, सब अपनी स्ट्रेटजी अपने बेसिस पे डिसाइड करें, ब्लाइंडली कॉपी ना करें, सब्सटेंस को देखें, जो उन्होंने बात करी उनको कोरिलेट करके देखें, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली इफ वी वर्क हार्ड तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और आदित्य जी, थैंक यू सो मच आपका, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी फॉर दोज ऑल्सो हु आर नॉट इनटू ट्रेडिंग, सो वी वर एबल टू रिलेट टू दोज थिंग्स। सो निलेश जी, मनीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मनोज जुड़े हैं, मनोज जी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। राइट, थैंक यू। मेरा सवाल आदित्य जी से है, क्या आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ डू वी नो कि यू नो विक्स इज इन बाइंग एंड व्हेन इट इज इन सेलिंग? थैंक यू। ओके,
मैंने सिंपल उसको कह दिया कि हमारा जो ओपन होता है आज का फर्स्ट राइट, मेरे लिए सिंपल है कि ओपन के ऊपर अगर आज विक्स है, ओपन आज का फर्स्ट ओपनिंग ट्रेड होता है, ओपन के ऊपर आई एम बुलिश, ओपन के नीचे आई एम बेयरिश। और सिंपल कहना है इसको तो हम एक दिन पहले के हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3 पिवोट लेवल निकाल लें। मेरा मानना आज पूरे दिन के लिए पिवोट के ऊपर आई एम बुलिश और पिवोट के नीचे आई एम बेयरिश। कल आप चेक करेंगे तो आपको पिवोट के ऊपर विक्स में बाय मिला है, इसीलिए फर्स्ट हाफ में स्टेडल स्टेंगल में प्रीमियम ड्रॉप नहीं हुआ है और मार्केट में सेलिंग हुई है इनफैक्ट। तो सबसे इजी तरीका है पिवोट के ऊपर विक्स है तो मार्केट में मेरे लिए विक्स में बाय है, पिवोट के नीचे विक्स का जो है उसके नीचे है अभी तो सेल है। अगर विक्स में सेल है तो मैं एग्रेसिवली ऑप्शन राइटिंग करूंगा, विक्स में बाय है तो मैं ऑप्शन बाइंग का भी सोच सकता हूं। सबसे इजी हाई प्लस लो प्लस क्लोज ना सर? बिल्कुल हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3, बहुत सिंपल है। बट हमारा ये 90% काम आसान कर देगा, इसके ऊपर वी आर बुलिश, इसके नीचे वी आर बेयरिश। ओके गॉट इट। एंड जस्ट अ फॉलो ऑन क्वेश्चन, तो अभी जैसे आपने बताया कि बिकॉज विक्स इज क्वाइट डायनामिक, तो इसके साथ हिसाब से फिर डू वी नीड टू यू नो चेंज द स्ट्रेटजी ऑन अ डेली बेसिस? सबसे इजी आंसर ये है कि आउट ऑफ द मनी मेरा जो प्रोडक्ट है, जो स्टेक है, वो बने ही जीरो होने के लिए है, पैदा ही जीरो होने के लिए। वैसे तो मेरा पॉइंट आप तक पहुंचा, मैं क्या एज ऑप्शन राइटर? यस आई गॉट इट। मैं उसी प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहा हूं जिसकी फितरत क्या है, जीरो होना। अब अगर विक्स में सेल मिले तो मैं उस प्रोडक्ट में जिसकी फितरत ही जीरो होने की है मैं एग्रेसिवली ट्रेड करता हूं, अगर विक्स में बाय है तो मैं एग्रेसिवली राइटिंग नहीं करता, इतना कह रहा हूं बस। और जैसे आपसे क्वेश्चन किया है, मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, मैंने लोगों को देखा है कि स्पॉट का चार्ट यूज करते हैं और ऑप्शन में काम करते हैं, जबकि सच ये है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का स्पॉट से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता है। मेरा रिक्वेस्ट है जिसका ट्रेड करें चार्ट भी उसी का होना चाहिए, तो आउट ऑफ द मनी का ही ऑप्शन लगाएं। अगर बाय करना है तो हाई टॉप हाई बॉटम डो थ्योरी बनना चाहिए, अगर वो लोअर टॉप लोअर हाई बना रहा है इसका मतलब है वो बाय नहीं है। लोग स्पॉट का चार्ट देख के आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं जबकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता है। थैंक यू। हेलो जी सर। हेलो। हाँ ओपनिंग ट्रेड पीई का वो है ज्यादा, वो तो कॉल का ये होता है ना, बुलिश होता है, बुलिश होता है ना, पुट ज्यादा है राइटिंग तो वी आर बुलिश, कॉल राइटिंग ज्यादा है तो वी आर बेयरिश। बट उसकी पावर भी चेक करनी पड़ेगी सर, कितने परसेंट ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपका। ओके थैंक यू। आदित्य जी कोई बुक या फिर कोई ऐसा मटेरियल जिसको हमारे ऑडियंसेस या फिर जो इसकी जानकारी कम रखते हैं वो एज अ रेफरेंस पढ़ सकते हो तो दैट सजेशन वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द ऑडियंसेस? तो मैं काम करता हूं सर, मेरे जो दोनों रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं विन एट द ट्रेड मैगजीन में पब्लिश हुए हैं राइट, वैसे मेरे फेसबुक पे भी ट्विटर पे भी वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। ये चीज आपको बता दूं मैं कि जो मेरे टूल है वो आपको कहीं सुनने को नहीं मिले होंगे, कुछ नया मिलेगा आपको, वो ऑलरेडी मेरे ट्विटर पे भी है और फेसबुक पे भी है। मैं एक बार मनीष जी को अपने इसी ट्विटर पे वापस से शेयर कर देता हूँ सर। आप स्पेसेस में भी सर अपना थ्रेड टैग कर सकते हैं, ट्वीट या थ्रेड जो भी है, या फिर आप हमें टैग करिए, हम भी कर दूंगा सर। बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे गुरु राजू सर के वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे, तो वहां से भी आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, बहुत इजीली अवेलेबल है जी। राजू चौक से इंदौर के हैं वो जी। या आई वाज सीइंग काफी ओल्ड वीडियोस हैं तो आई वाज चेकिंग, मैं आप भी थोड़ा हेल्प करेंगे तो हम क्रोनोलॉजिकल वे में उनको देख पाएंगे और ऑडियंसेस से शेयर कर पाएंगे। और भविन है हमारे साथ, भविन आपका कोई सवाल हो आदित्य जी से? यस सर। सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। एक क्विक क्वेश्चन था सर कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है सर वो
एट द मनी देखना बेनिफिशियल है या आउट ऑफ द मनी? आई एम एन ऑप्शन बायर सर, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा सर? सो आपने सुना होगा मैं टॉप 11 स्ट्राइक में होमवर्क करता हूँ डेली, और उसमें से टॉप 3 स्ट्राइक को आइडेंटिफाई करता हूँ कि वैल्यू वाइज किसमें ज्यादा पोजिशन बनी है, राइट? वैल्यू वाइज मैंने बोला था आपको कि ओआई चेंज को अगर प्रीमियम से मल्टीप्लाई करें तो हर स्ट्राइक की हमें पता लग जाएगा किसमें कितनी वैल्यू है. वैसे कॉल साइड भी करेंगे, पुट साइड भी करेंगे, तो कॉल साइड से 3 स्ट्राइक मिलेगी मुझे और पुट साइड से भी 3 स्ट्राइक मिलेगी. नॉर्मली आउट ऑफ द मनी होती है, बट अगर ये किसी दिन एट द मनी और इन द मनी मिल जाए, आप उस दिन उस स्ट्राइक को यूज करिए बाइंग के लिए. ओके सर, ओके सर. और वैसे मैंने बाइंग की मेरी चेकलिस्ट अभी आल सर ने क्वेश्चन किया था, मैंने उनको बताया है कि बाइंग की मेरी कंडीशन थोड़ी अलग होती है और राइटिंग की मेरी चेकलिस्ट अलग है, तो वो मैंने ऑलरेडी बोला ही है. ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज प्रेस योर माइक बटन एंड द रिक्वेस्ट, वी विल ट्राई टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. और किसी पास क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर ये स्पेस को विराम देंगे. एक रिक्वेस्ट आई है, एक सेकंड. आशीष जी, आशीष जी बोलिए, आपका थोड़ा परिचय दीजिए. आशीष कैन यू हियर मी? यस यस, नमस्कार. मेरा नाम आशीष है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट और जो एफिलिएशन है वो 2008 वाला जो क्रैश है तब से है. तो नॉर्मली तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही एक माइंडसेट है और ईच टाइम मतलब चाहे वो क्रैश हो या जब भी फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है तो मैं उसको ऐड करता ही रहता हूँ, तो वो प्रोसेस तो कंटिन्यूस चलता रहता है. इन द रीसेंट पास्ट जो ऑप्शंस का जो एक अट्रैक्शन है वो मुझे भी एक अट्रैक्ट किया है और मैं उसके अंदर मेजरली जो मेरी एवरेजिंग जो है उसको करने के लिए जो कैश सिक्योर्ड पुट है वो वाला एक मेथड यूज़ करता हूँ, चाहे मेरे को जो भी मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है उनको. और मेजरली जो कॉल राइटिंग जो मेरे पास होल्डिंग है, जैसे मेरे पास ITC, TCS, ये जितने भी आपके बड़े ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके ऊपर मैं मंथ ऑन मंथ पीछे किया करता था, बट वो मेरा बहुत डिस्क्रिशनरी था, बहुत उसमें लिमिटेड नॉलेज के साथ में मैं करता रहता था, कभी विन हुआ कभी नहीं हुआ, इस तरह का ये सिनेरियो चलता रहता था. आदित्य जी से मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मेरे को वो कैश सिक्योर्ड पुट का एक सर्टेनिटी के साथ में मेरी एवरेज कॉस्ट कम करनी है और जो मेरे पास होल्डिंग्स हैं ऑलरेडी स्टॉक के लिए, तो उनमें मेरे को जो आपने भी 5-5 स्ट्राइक्स वाला जो एक मेथड बताया है, क्या वही मेथड चूज करना चाहिए या फिर कुछ और उसके लिए मेरे को आप इनसाइट दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं खुद भी कैशन के लिए आर्बिट्राज कर रहा हूँ, अभी 5 स्टॉक में कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, क्योंकि ये मेरे रिटायरमेंट का प्रोडक्ट है कि मुझे स्क्रीन पर बैठने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि जिस लेवल की हम सबकी लाइफ स्टाइल है, हम 3-4 साल से ज्यादा स्पेकुलेशन में ज्यादा रहने वाले हैं नहीं, राइट? बट हर महीने मुझे मेरा इतना पैसा आ जाए तो मैं सेम फॉर्मूला वहां यूज करता हूँ. टॉप 11 स्टेक का हर वीकेंड पे होमवर्क करता हूँ उन्हीं स्टॉक्स में और उन्हीं की ऐसी स्टेक आइडेंटिफाई करता हूँ, बट मैं मोस्टली कॉल राइटिंग ही करता हूँ कैश के अगेंस्ट में. और कैश सिक्योर्ड पुट पे आपका क्या ओपिनियन रहेगा? अगर मेरे को और बाय करना हो तो मैं उस मेथोडोलॉजी से बाय करूं? सेम लॉजिक आप वहां भी यूज करें, आपको दोनों चीजें मिलेगी कि कौन सा कॉल और कौन सा पुट आपके लिए बेस्ट है. आप उन्हीं स्ट्राइक को किसी भी फॉर्मूले में यूज करिए, सब में वर्कआउट होते हैं वो. ओके, एंड सेकेंडली जो आपने 5-5 स्ट्राइक वाला जो आपने ऑप्शन से बताया था, एक परसेंटेज टर्म्स के अंदर मैं दूसरी चीज देखता हूँ कि मेरे को जो भी ऑप्शन जहाँ पर 2-2.5% का रिटर्न मिल रहा है मतलब राइटिंग के अंदर,
मैं जनरली उसको बेच के 50% जब वो मेरे को उसका डीके या जो मेरे को 1 या 1.5% का जब रिटर्न मिलता है तो मैं उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। मैं रिटर्न टर्म्स में देखता हूँ, चाहे वो मेरी 6th स्ट्राइक हो या 7th स्ट्राइक में भी मिल जाए मेरे मुझे, तो मैं उस तरीके से कर लेता हूँ। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? मेरे को 1.5% पूरा भी नहीं मिलता, मतलब कभी 0.75, कभी 1 या 1.25 इस तरह का मिलता है। मैं यूज करता हूँ आर्यन कॉन्डोर। मैंने अभी जो रितिक 20 स्टॉक्स जो बताए आपको, उसमें मेरा होमवर्क है कि बेस्ड ऑन ओआई अगर मुझे ये पता लग जाता है कि यार ये अपर जोन हो ये लोअर जोन है इजिली टूटने वाले नहीं है, तो मैं आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर या इस तरह के कॉम्बिनेशन उन स्टॉक में यूज करता हूँ जो कंसोलिडेशन जोन में होते हैं। मैंने इस साल एग्रेसिवली कोटेक बैंक में किया ये वाला काम। आप उसका चार्ट देखेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि ओआई का डेटा बने ही ऐसे थे कि ना वो अपर जोन तोड़ने वाला था ना लोअर जोन, वहां पे सिर्फ प्रीमियम डिके ही होना था, कुछ नहीं होना था। तो आपको उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा, ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उनमें ओआई और प्राइस दोनों ही कंसोलिडेशन का आंसर दे रहे हैं। तो वो जो एक डायरेक्शनल वाला जो पैटर्न होगा उसमें वो काम नहीं करेगा। देखिए मैं इन्हीं स्टेक को उधर से प्रीमियम करने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, सेम तरीका तो वही है। ओके, मैं आयरन कॉन्डो में जो स्टेक लूंगा वो भी यही 11 स्टेक से आएंगी। ओके ओके ओके, क्योंकि वो बेस्ट है ना, वो लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए, वही चाहिए हमको एक्चुअली। और इनफैक्ट उसके भी एक एक और ऊपर नीचे की लेता हूँ मैं तो, क्योंकि मुझे तो वो सेफ्टी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ वो कॉल पुट दोनों जीरो हो मेरे। करेक्ट करेक्ट, और ओवरनाइट राइटिंग नेकेड नहीं करता, बिना हेज के मैं ओवरनाइट पोजीशन कभी नहीं लेके आता। करेक्ट। अच्छा एक आदित्य जी, अगर आप थोड़ा सा एक ये जो अभी करंट सिनेरियो जो मार्केट का है लास्ट 7-8 महीने से जो ऑप्शंस का नेचर है उसको आप रीड करते हुए ये अभी जो 7-8 महीने का जो मार्केट रहा है, क्या इसको कोई क्लासिफाई किया जा सकता है कि ये ऑप्शन बायर का मार्केट था या ऑप्शन सेलर का मार्केट था? सबसे इजी आंसर है मेरे लिए कि ऑप्शन राइटर का ही मार्केट था। सिर्फ विक्स पे अगर आपने होमवर्क किया है तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। तो मेरे पास 20% टाइम ऐसा था जब विक्स में बाय था, उस दिन मैंने राइटिंग अवॉइड करी है। जब आपका आपने भी देखा होगा कि यूक्रेन और इनका जो वॉर चल रहा था, तो हमको पता है वॉर जोन में हमको राइटिंग नहीं करनी ओवरनाइट, बट जैसे ही पता लगा कि यूक्रेन और इनका खत्म हुआ, राइटिंग ने बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया। इस साल बजट वाले दिन मैंने लाइफ का सबसे ज्यादा प्रीमियम खाया है, 480 रुपीज का एट द मनी पे प्रीमियम था और क्लोजिंग पे 180 रह गया है वो निफ्टी में। तो राइटर का मार्केट था, बस विक्स के साथ अगर किया है तभी आप इनकेश कर पाओगे, ये मेरा रिक्वेस्ट। तो विक्स का जैसे आप प्राइस पे होमवर्क करते हो, ओआई पे होमवर्क करते हो, इसको भी दोस्त बना लो। करेक्ट करेक्ट, और लोग बोलते 25-30 के ऊपर विक्स में राइटिंग नहीं करना चाहिए, बट मेरा ये बोलना है कि मुझे वहां डबल टॉप पिवोट के नीचे ओपन के नीचे मिले तो वो और फास्ट पैसा कमा के देता है मुझे, तो वो टाइम मैं अवॉइड क्यों करूं। करेक्ट करेक्ट, हाँ मेरा पॉइंट ये है कि अगर विक्स में बाय है तो मैं बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं देता स्टॉप लॉस को ज्यादा, और विक्स में सेल है तो फिर मैं शेयर हो जाता हूँ, मैं एग्रेसिवली राइटिंग करता हूँ। आपको विक्स का ये ध्यान रखना पड़ेगा बस। तो राइटर का मार्केट था मेरे हिसाब से, तो रेंज बाउंड मार्केट था। आप अभी भी देखेंगे पिछले 3 महीने से 16,400 रोज आया है, हर वीक आया है, ना 15 मिला है ना मुझे 17 मिला है, सही बोल रहा हूँ? करेक्ट करेक्ट, तो प्रीमियम गली है बुरी तरह। रेंज बाउंड मार्केट है ये कंसोलिडेशन ही है। ऑब्वियसली ब्रेकआउट आएगा और बड़े मूवमेंट आएंगे, बट जब आएगा तब तक तो राइटिंग करें। सर ऑप्शन बाइंग में वीक का बाइंग करेंगे या मंथ का बाइंग करेंगे? मैंने रिक्वेस्ट किया था मंथ में टाइम डीके कम गलता है, तो आप मंथली ऑप्शन बाय करें, और वीकली में टाइम डीके ज्यादा होता है इसलिए राइटिंग करें तो वीकली करें, बाइंग करें तो मंथली करें, और कभी भी आउट ऑफ द मनी मत करें, एट द मनी या इन द मनी बाय करें, और उसको भी स्प्रेड बनाएं तो कम से कम रिस्क कम हो जाएगी आपकी। और इंट्राडे में किस कैंडल का ओपन करें, टाइम का 3 मिनट या 5 मिनट? सबका अलग अलग है कम्फर्ट जोन, मैं 3 मिनट यूज करता हूँ मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से, दिन के 2 ही ट्रेड करता हूँ, पहले 15 मिनट में ऐसे लोग है तो छुट्टी उस दिन की, तो अपनी रिस्क के हिसाब से वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा
मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 25 पॉइंट से बड़ा निफ्टी में स्टॉप लॉस डालते ही नहीं, और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स, चाहे मैं एट द मनी इन द मनी का भी राइट करूं या आउट ऑफ द मनी का, ये एक दिन की लिमिट फिक्स है कि इतना लग जाता है, मैं उस दिन सिस्टम बंद करके क्रिकेट खेलने निकल जाता हूँ छुट्टी मेरी।